हेलो एंड वेलकम बैक एवरी वन टू बिन साइंस एंड हमने लास्ट हमारा लेक्चर जो स्टार्ट किया था वो था फ्लावर के ऊपर और उसी के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमने जो बेसिक एक आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है सो इफ़ यू हैव नॉट वॉचड इट यू हैव टू वॉच इट क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझा है तो हो सकता है कि आपको आगे का जो भी हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं उसे समझने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो बेटर so है कि आप पहले उसे देख लें एंड देन यू जस्ट कम बैक टू दिस स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाले हैं फ्लावर की जो चार टाइप के वर्ल्स हमने देखे करोला गाइनेशियम एंड्रोशियम इसके अलावा हमने पेरिया भी डिस्कस किया था सो so जो फ्लावर के वर्ल्ड है उसके बारे में ये चैप्टर के अंदर डिस्कशन होने वाला है सो so उसमें पहला जो फ्लावर का वर्ल्ड आता है वो है कैलिक्स अब जब मैं पहला वर्ड यूज़ करती हूँ यहाँ मैं कहती हूँ कि कैलिक्स इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर दैट मीन्स बेसिकली वो द पहला लेयर है फ्लावर का ओके okay? तो पहला मतलब सबसे आउटर मोस्ट तो फ्लावर को जब हम बाहर से देख रहे हैं तो सबसे बाहर की चीज़ जो होगी वो होगी कैलिक्स ओके सो दैट वे इट इज़ द फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर ओके अब इसके जो सिंगल मेम्बर्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेपल्स ये नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं देर कैन बी कलरफुल फॉर्म्स ऑल्सो उस कंडीशन में दे आर पेटेलॉइड ओके दैट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन बट नॉर्मली दे आर ग्रीन एंड कलर एंड बिकॉज दे आर ग्रीन एंड कलर दे केन ऑल्सो परफॉर्म फोटो सिंथिस एंड कैलेक्स का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन अब किसका प्रोटेक्शन कर रहे हो तो जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं ओके फ्लावर जब बर्ड कंडीशन के अंदर होता है सो so जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उससे प्रोटेक्टेड रखना अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है तो उससे फ्लावर को प्रोटेक्टेड रखने का जो काम हो रहा है वो कैलिक्स परफॉर्म करता है सो इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बड अब ये कैलिक्स के अंदर दो टर्म्स दी गई है पॉली एंड गैमोसिपैलिस अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर आई नो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आने वाली है बट अब टर्म देख के डरो मत प्लीज बिकॉज ये बहुत सारी टर्म्स काफ़ी ओवरलैपिंग होने वाली है आगे जाके आप देखेंगे पॉली होगा गैमो होगा ओके okay, सो so, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें अगर आपको उस टर्म का मतलब समझ गया है तो वो आपको याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रस्ट में ओके सो व्हाट इज पॉली सेपैलिस तो सेपल मतलब यहाँ पे जो हमने सिंगल मेंबर बोला तो so, अब ये जो सेपल्स अगर है अगर वो एक दूसरे से फ्री है ओके दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर दे आर फ्री देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉली एंड अगर गैमो कह रहे हैं हम दैट मीन्स दीज सेपल्स आर फ्यूज वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दे आर नॉट फ्री अगर गैमो से पैलेस मुझे बताना है तो यहाँ पे आप इस कंडीशन में देख सकते हैं अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिबिस्किस ठीक है तो हिबिस्किस के अंदर ये जो कंडीशन है वो है गैमो से पैलेस कंडीशन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दैट डी सेपल्स आर फ्यूज ओके दैट्स वाई इट इज अ गैमो से पैलेस कंडीशन अब कुछ टाइप के कैलिक्स हो सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कुछ वेरियस टर्म्स दी गए हैं कैलिक्स को किस बेसिस पे दी गई है तो उनका ड्योरेशन uh, कितना है एज इन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वो फ्लावर के साथ कितना सर्वाइव कर रहे हैं कब तक वो वहाँ पे है ओके हाउ लॉन्ग इट इज देयर विथ द फ्लावर फॉर एग्जाम्पल अगर जो पहला टर्म है कॉडियोकिस कॉडियोकिस कैलेक्स हम तब बोलते हैं जैसे ही फ्लावर बड ओपन हो जाएगा वैसे ही ये जो सेपल्स हैं वो घिर जाएंगे दे आर गोइंग टू फॉल ऑफ ओके दे आर गोइंग टू विदर अवे सो दैट काइंड ऑफ अ कैलिक्स ऐसे टाइप के कैलिक्स को कहा जाएगा कॉड्यूकिस कैलिक्स और इसका एग्जाम्पल है पॉपी प्लांट फिर आते हैं डेसेड जब पेटल्स विदर होंगे उसके साथ में ये कैलिक्स विदर होंगे ओके पेटल्स एज इन करोला ठीक है तो जब पेटल्स घिरने वाले हैं फ्लावर में से तभी ही ये सेपल्स घिरेंगे फ्लावर में से फिर आते हैं परसिस्टेंट पे अब परसिस्टेंट कैलिक्स आपने काफ़ी बार देखा होगा जैसे आप ये ब्रिंजल में देख सकते हो एंड नाव यू कैन रिकोगनाइजा ये परसिस्टेंट मतलब ये जो ग्रीन चीज है वो कैलिक्स है ओके okay? तो ये जो डंडी होती है ब्रिंजल की जो पूरी तरह से सराउंड कर रही है तो बेसिकली ये फ्लावर था ओके okay? ऑब्वियसली उसके बाद में ये फ्रूट बना है तो आप देख सकते हैं फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स अभी तक प्रेजेंट है ठीक है परसिस्टेंट का लिटरल मीनिंग ही होता है हमेशा ओके कंटिन्यूज ऑलवेज सो दिस इज अगेन ऑलवेज प्रेजेंट इवन वेन द फ्रूट इज फॉर्म्स ऐसे टाइप के कैलिक्स को कहा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी हो सकते हैं और इन्हें हम समझ सकते हैं एक टाइप का मॉडिफिकेशन ही है ओके का या का कैलिक्स जैसे मैंने बताया कि कैलिक्स नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन अगर वो कलरफुल दिख रहे हैं या फिर वो पेटल की तरह दिख रहे हैं तो ऐसे टाइप के कैलिक्स को या को कहा जाता है पेटलॉइड सेपल्स ठीक है पेटलॉइड पेटलॉइड मतलब पेटल पेटल की तरह लाइक तो एक और एक टाइप के सेपल्स होते हैं जो है पैपस पैपस सेपल्स बेसिकली हेयर लाइक होते हैं ओके एंड उनका फंक्शन होता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ फ्रूट नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है करोला अब करोला का जो सिंगल मेंबर है वो तो हमें पता ही है इट इज पेटल तो एक एक पेटल मिलके क्या बना रहा है सेकेंड वर्ल्ड विच इज करोला नॉर्मली दीज आर कलरफुल ओके अब क्योंकि ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं एक्चुअली इनका फंक्शन ही वही है इन्हें इतना अट्रैक्टिव और कलरफुल इसके लिए बनाया गया है ताकि ये पॉलीनेशन में हेल्प कर सके सो बेसिकली करोला इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स ओके ये फ्लावर के पॉलीनेशन के फंक्शन में हेल्प कर रहा है दिस इज द मेन फंक्शन बेसिकली अब यहाँ पे भी हो सकता है पॉलीपिटालिस एंड गैमोपिटालिस अब आपको पॉलीसिपैलिस और गैमोसिपैलिस समझ गया है तो पॉलीपेटालस और गैमोपेटालिस भी सेम ही है पॉलीपेटालस पेटल्स जब फ्री रहेंगे Petals, jab, fused रहेंगे। तो आ, आप देख ही सकते हैं एग्जाम्पल का एग्जाम्पल रोज है क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे पेटल्स आपने तोड़े भी होंगे पेटल्स को ओके okay, तभी भी आपको समझ गया होगा ऑब्वियसली दीज आर नॉट फ्यूज पेटल्स दीज आर फ्री पेटल्स एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं गैमोपेटालस कंडीशन दे आर फ्यूज पेटल धतुरा के अंदर भी फ्यूज पेटल कंडीशन देख सकते हैं ओके okay? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप पेटल्स तो आप इजीली रेकोगनाइज कर सकते हो प्लांट के अंदर ट्राई टू जस्ट सी अ फ्लावर भले आपको उसका नाम पता हो नहीं पता हो जस्ट ट्राई टू रिकोग पॉलीपेटालस कंडीशन और इट इज अ गैमोपेटालिस कंडीशन आपको अच्छे से याद रहेगा ओके okay? अब एक स्पेशल कंडीशन होता है जो है पेरियां ये फ्लावर आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा इट इज एक्चुअली अ स्पाइडर लिली ओके अब पेरियां मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है पेरियां एक्चुअली एक सेपरेट वर्ल होता है यहाँ पे कैलिक्स नहीं होता या करोला नहीं होता किसी टाइप का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता दोनों के अंदर ओके okay? और ये वर्ल्ड प्रेजेंट होता है उनकी जगह पे जो होता है पेरियां पेरियां के सिंगल मेंबर को कहा जाता है टेपिल अब अगर ये जो टेपल्स हैं या पेरियां है वो ग्रीन है तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेपेलॉइड पेरियां अब अगर वो कलर्ड होंगे तो क्या हो गए ये पेरियां दे विल बी कॉल्ड एज पेटेलॉयड पेरियां इट इज एज सिंपल एज दैट So you know सो ना हो ठीक है कि हाँ ये जो है तो सेपेलॉइड हो गया तो सेपल्स की तरह उसके फंक्शंस हो जाएंगे कलर्ड है तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करने वाला है यहाँ पे भी पॉलीफाइलस हो सकता है या गैमोफाइलस हो सकता है अब तक तो बहुत ईजी हो जाना चाहिए पॉली का मतलब होता है फ्री गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। ये टेपल्स अगर फ्री रहेंगे सो इट विल बी अ पॉली फाइलस कंडीशन एंड अगर ये टेपल्स फ्यूज रहेंगे तो उसे कहा जाएगा गैमो कंडीशन एंड ये तीन वर्ल्ड होते हैं वो बेसिकली नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है ठीक है आई वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट लेक्चर कि नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट नहीं ले रहे एक्सेसरी वर्ल्ड हैं तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे पूरी तरह से जो इसेंशियल वर्ल्ड है जो है एंड्रोशियम और गाइनेशियम और राइट एंड उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो so अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है सो हिट द लाइक बटन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के वीडियोज़ आने वाले हैं वो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए यू विल बी ऑलवेज अपडेटेड टिल देन बिन साइंस